Good morning students, welcome back to your classes. This is your SST class, right? So in last class we have finished our fourth chapter with the understanding of your book exercise and question answers. Hope you understand that. Now time to move to next chapter, and that is chapter number 5. In today's class we are going to start new chapter of 6. For this, first see on book. Today's date is 21 September, and our subject is class 6, and the part of SSC we are doing is 6, right? And the chapter number is 5, and today's chapter is Panchayati Raj. So this is your book, right? This is your book. When you open page number 171, the topic is on page number 171. I have made a one chart for you. मैंने एक chart बनाया है so that easily मैं explain कर सकूँ. First I will introduce you पंचायती राज. What is पंचायती राज? So जैसे कि हमने last chapter इसमें समझा था कि government क्या होती है, government के elements क्या होते हैं. तो we have understood that government is divided into 3 parts. Right? हमने 3 levels पर government को divide किया हुआ है. First one is central, which look after the nation. Second one is state, which look after the particular state, that is our Uttar Pradesh or Madhya Pradesh, Maharashtra. Every state has their own government. And the last level or the third level in the hierarchy is local government. यानी कि जो particular state है उस particular state के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे areas होते हैं, उनको देखने के लिए भी एक local government हम elect करते हैं. So in today's class we will understand that local government. लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और उस लोकल गवर्नमेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं. सो दिस इज द ओनली वन पार्ट पंचायती राज जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है. सो लेट्स स्टार्ट विद योर बुक. द गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क एट 3 लेवल. तो हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो 3 लेवल पे काम करती है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यू द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन अ रूरल एरिया. तो पंचायती राज बेसिकली कौन से एरिया में होता है? छोटे एरिया में होता है, यानी कि गांव जहाँ पे विलेज होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट में की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग द रूरल कम्युनिटी. तो रूरल गवर्नमेंट जो होती है, सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, उसका जो एम होता है यानी कि उसकी जो सोच होती है या फिर उस गठबंधन जो होता है, जो उसका गठन होता है, वो इस कारण होता है कि उस पर्टिकुलर गाँव का विकास हो सके. इट स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी. जो छोटी से जैसे हम बोलते हैं, अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हमारे पास 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है. तो इसीलिए सबसे छोटी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, सबसे पहले जो है अगर आप एक विलेज को डेवलप करेंगे तो उस विलेज से उस एरिया डेवलप होगा, वो एरिया डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो नेशन डेवलप होगा. इसलिए सबसे पहले हमें रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. स्टेट डेवलप होगा तो नेशन डेवलप होगा. इसलिए सबसे पहले हमें रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. महात्मा गांधी हैड अ रीजन टू एंश्योर दैट विलेज शुड बी लुक आफ्टर. जो हमारे महात्मा गांधी थे उनका सपना था, उनकी पूरी सोच ये थी कि सबसे पहले जो है विलेज की देखभाल होनी जरूरी है. हिज ड्रीम केम ट्रू व्हेन द 3-tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज वॉज इनिशिएटेड एट द विलेज लेवल. उनका सपना तब पूरा हुआ जब पंचायती राज का सिस्टम आया जिसके अंदर 3 लेवल होते हैं. तो पंचायती राज का सिस्टम एक विलेज में आया था और पंचायती राज के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 लेवल होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द ग्राम पंचायत. सो आई हैव मेड अ चार्ट. पंचायती राज के अंदर 3 लेवल होते हैं. सबसे पहला लेवल होता है आपका ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम के अंदर जो पंचायत होती है वो विलेज लेवल पर होती है, गाँव के अंदर होती है. नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो होता है पंचायत समिति, यानी कि इनसे ऊपर होता है, ग्राम पंचायत से ऊपर होता है. और ये ब्लॉक के लेवल पर होता है, यानी कि अगर 4-5 गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बन गया. ग्राम पंचायत एक विलेज हुई और आपकी पंचायत समिति बहुत सारे गाँव को मिलाकर होगी. ठीक है, थर्ड आपका आता है जिला परिषद, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में आता है, तो आगे आप जाओगे तो मेन डिस्ट्रिक्ट आता है. तो इसके अंदर कितने सारे एरिए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हर एक गाँव की पंचायत होगी. जैसे मान लिया हम एक जगह है कुर्सी गाँव हो गया, बहुत सारे गाँव हैं हमारे पुरानी में, तो हर एक गाँव का अपना ग्राम पंचायत होगा. जब वो गाँव इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ गाँव को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो पंचायत समिति बन जाती है.
ठीक है, उस पंचायत समिति एंड ब्लॉक समिति, यानी कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है, इसके अंदर क्या काम हो रहा है, ये ध्यान रखता है। द विलेज पंचायत परफॉर्म द ब्लॉक समिति इज एन एसेंशियल लिंक बिटवीन द विलेज पंचायत एंड जिला परिषद, यानी कि इन दोनों के बीच में कड़ी कौन है, कौन कनेक्ट करता है, पंचायत समिति कनेक्ट करती है। ये एक सिंगल यूनिट है, ये लोग इसके पास जाते हैं और ये इसके पास जाते हैं, तो ये डायरेक्टली यहाँ डील नहीं करता। यानी कि अगर ग्राम पंचायत में एक गाँव है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सीधे जो है जिला के पास नहीं जा सकता, वो किसके पास जाएगा, पंचायत समिति के पास जाएगा, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, और अगर पंचायत समिति उसको सॉल्व नहीं कर पाएगी तो ये जो है जिला परिषद के पास जाएगी उनकी समस्याओं को लेकर। ठीक है, तो इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। ठीक है, द विलेज पंचायत परफॉर्मेंस फंक्शन थ्रू विंग्स। अब उन्होंने कहा है जो हमारी विलेज पंचायत है ना, इसके अंदर भी तीन टायर्स होते हैं, तीन विंग्स होते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमारे तीन विंग्स क्या होते हैं, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, और फिर न्याय पंचायत होती है। सो दीज टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट इन टुडेज क्लास। मैंने आज आपको बताया कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज होता है जब तीन चीजें मिलकर आती हैं। पहला हमारा क्या होता है, ग्राम पंचायत, जो कि छोटे छोटे गांव का ध्यान रखता है। फिर आता है आपका पंचायत समिति, जो कि छोटे छोटे गांव को इकट्ठा करके देखता है। फिर आपका आता है जिला परिषद, जिसके अंदर बहुत सारे गाँव आ जाते हैं। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ नाइस डे। जब इनको पूरा इकट्ठा कर दिया जाता है तो गाजियाबाद के अंदर आ जाते हैं ये सारे, वो आपके जिला में चले जाते हैं, राइट। सो आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ मैनर। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। टुगेदर दे आर कॉल्ड पंचायती राज। जब हम इन तीनों को मिला लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, पंचायती राज बनता है। एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरिया। ये सब लोग मिलकर हर एक लेवल पर ट्राई करते हैं कि विलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। अ फ्यू पंचायत्स टुगेदर फॉर्म अ ब्लॉक समिति। कुछ पंचायतों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, पंचायत समिति कहलाती है। इट टेक केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ होल ब्लॉक। वो जितने भी गांव उस ब्लॉक के अंदर आते हैं उसकी डेवलपमेंट का काम पंचायत समिति का होता है। ऑल प्लान्स ऑफ अ ब्लॉक समिति आर इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द बीडीओ। तो जो भी हमने प्लान किया है या कुछ काम हमें करने हैं, हम एग्जीक्यूट किसके थ्रू करते हैं, मतलब इंप्लीमेंट किसकी वजह से हो पाते हैं, बीडीओ की तरफ, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो कि हेल्प करता है टू टेक केयर ऑफ द ब्लॉक्स। हु इज अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट करती है कि इस ब्लॉक का, इसके अंदर कितने गाँव हैं और इतने गाँव का तुम्हें ध्यान रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन एट द हाइएस्ट